नमस्ते, राम राम खम्मा खड़ी। मेरा नाम सुनील कुमार मेघवाल और मैं राजस्थान मिशन 2030 के तहत राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो अपनी सरकार को निरंतर ऐसे बनाए रखने के लिए और राजस्थान में जो उन्होंने अभी अपने कार्यकाल में विभिन्न योजनाएं चला रखी है उनको सुदृढ़ बनाते हुए आगे राजस्थान का विकास करने के लिए, मतलब जो भी वो योजनाएं चला रहे हैं जिससे राजस्थान सरकार ने चला रखी है विधवा पेंशन योजना और औरतों को पेंशन जैसे 60 वर्ष से वृद्धा पेंशन योजना ये आदि योजनाएं दे रखी है जिनकी वजह से वृद्ध महिलाओं लोगों और मतलब विधवा महिलाओं को मतलब सपोर्ट मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है। तो ये योजना उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है और वो लोग इन चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं ये केस मिलने को आ रहे हैं और पुलिस विभाग के लोग पकड़ते भी हैं ऐसे लोगों को। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन योजनाओं का गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। जैसे हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है, लेकिन लोग उन चीज़ का नेगेटिव पहलू तरफ जाते हैं। जैसे कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पेंशन चालू करवा देते हैं। हम देखते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे केस राजस्थान सरकार पकड़ रही है कि जिसमें 30 से 40 वर्ग के लोग जो मतलब शरीर से एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत सब कुछ किसी की कमी नहीं है, लेकिन ये बेचारे विधवा लोगों की पेंशन, वृद्धावस्था वृद्ध लोगों की पेंशन खा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट बना के। बहुत ऐसी योजनाएं हो रही है जैसे लोगों को गेहूं मिलते हैं, लोगों को और भी सामान वितरित होते हैं, उन लोगों को ये सामान वितरित न होना, उन सामानों में हेराफेरी होना, बहुत सारी चीज़ें होती है। सरकार की योजनाएं आती है जैसे स्कूलों में मिड डे मील पालनहार मतलब मिलता है और बच्चों को मतलब बहुत सारी योजनाएं मिलती है जिनके बारे में टीचर वगैरह मतलब अच्छे से कुछ तो अच्छे होते हैं जो अपना कर्तव्य मानते हैं वो इन योजनाओं को लोगों को बताते हैं और जागरूक करते हैं और इनका लाभ देते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि मतलब ऐसे अधिकारी होते हैं भ्रष्ट अधिकारी जो मतलब इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों का लाभ नहीं देते हैं लोगों को और अपने तक ही सीमित रख के इनके बजट को मतलब एक तरीके से बजट को आप समझ रहे हो अपनी जेब में रख लेते हैं और इन बजट का लाभ लोगों को नहीं देते हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से यही अपील करूंगा कि अपनी कोई भी योजनाएं बनाए उस योजना की अच्छे से जानकारी रखें और उस योजना को आगे चलाने के लिए निरंतर उसके आगे कार्रवाई करते जाए और उस योजना को कड़ी से कड़ी एकदम सक्सेसफुल बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। यही मैं सुझाव राजस्थान सरकार को देना चाहूंगा। धन्यवाद।